जिसने बार बार दिल्ली में घुसकर मुगलों को फोड़ा था, जिसके खौफ से अब्दाली ने मथुरा वृंदावन छोड़ा था, जिसका लोहागढ़ सदा अजय रहा शान से इतराने को, कितने ही महल बने हैं ऐश्वर्य उनका बतलाने को। महाराजा सूरजमल जी का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ। यह इतिहास की वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगलों के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में उत्तर भारत में जिन राजाओं का विशेष स्थान रहा, उनमें महाराजा सूरजमल जी का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। महाराजा सूरजमल जी ने अवैध लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी नहीं भेद पाए। मिट्टी के बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार ही नहीं कर पाए। यह देश का एकमात्र किला है जो हमेशा ही अभेद रहा। यह किला राजस्थान के भरतपुर में स्थापित है। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम पढ़ने से पहले ही इस मरुभूमि को राजपुताना कहकर पुकारा था। इस राजपुताने में अनेक राजपूत राजा महाराजा पैदा हुए, पर आज कहानी है इन राजपूत राजाओं के बीच पैदा हुए इतिहास के एकमात्र जाट महाराजा सूरजमल जी की। जिस दौर में राजपूत राजा मुगलों से अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करके जागीरें बचा रहे थे, उस दौर में यह बाहुबली अकेला मुगलों से लोहा ले रहा था। जी हाँ, जनवरी 1760 के प्रथम सप्ताह में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली फिर पहुंच गया और सम्राट विहीन तथा वजीर विहीन राजधानी का मालिक बन बैठा। 14 जनवरी को उसने महाराजा सूरजमल जी तथा राजपुताना के अन्य राजाओं को पत्र भेजकर राज कर देने और उसके सामने पेश होने का फरमान भिजवाया। लेकिन धन से भरपूर राजकोष, सुदृढ़ दुर्गों, बहुत बड़ी सेना और प्रचुर मात्रा में युद्ध सामग्री होने के कारण महाराजा सूरजमल जी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और युद्ध की तैयारी करते हुए उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के फरमान को नकारते हुए उसके दूतों से कहा, अभी तक आप लोग भारत को नहीं जीत पाए हैं, अगर आप में सचमुच भी कुछ दम है तो मुझ पर चढ़ाई करने में इतनी देर किस लिए है। अब्दाली जितना समझौते की कोशिश करता गया, उतना ही सूरजमल जी का अभिमान और दृष्टता बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि मैंने इन किलों पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की है, यदि अहमद शाह अब्दाली मुझसे लड़े तो यह उसकी मुझ पर कृपा होगी, क्योंकि तब दुनिया भविष्य में यह याद रख सकेगी कि एक बादशाह बाहर से आया था और उसने दिल्ली भी जीत ली थी, पर वह एक मामूली जमींदार के मुकाबले में आकर लाचार हो गया। महाराजा सूरजमल जी की टाल मटोल चालों से विचलित हो उठे अब्दाली ने फरवरी के शुरू में डीग पर गेरा वे डाला, परंतु सूरजमल जी की कूटनीतिक चालों के कारण अब्दाली का सैनिक संग्राम असफल रहा। सूरजमल जी ने बाजी जीत ली थी और उनके किलों को हाथ तक नहीं लगाया गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपना ध्यान मराठों की ओर किया। जी हाँ, अब बारी आती है पानीपत की तीसरी लड़ाई की, जो कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। उस वक्त मराठा काफ़ी ताकतवर थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिव राव ने मराठों का नेतृत्व किया था। 14 जनवरी 1761 को हुए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी दिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा जीतते जीतते हार गए, जिसकी कई वजहें रही। राजा सूरजमल जी ने युद्ध शुरू होने से पहले मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे सदाशिव भाऊ को कई सलाह दिए थे। रणनीति बनाने में माहिर राजा सूरजमल जी ने कहा था कि अब्दाली की सेना पर अभी हमला करना
ठीक नहीं है। सूरजमल जी की राय थी कि अब्दाली की सेना आसानी से सर्दी सह लेंगी, लेकिन वो गर्मी नहीं सह सकते, इसलिए गर्मी के दिनों में उन पर हमले करना ठीक रहेगा। लेकिन सदाशिव राव नहीं माने। जनवरी की ठिठुरती सर्दी में मराठा सैनिकों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े कम हो गए, जबकि अब्दाली की सेना चमड़े के जैकेट पहनकर आई थी। मराठा सेना में सैनिकों के साथ स्त्रियां और बच्चे भी चल रहे थे। उस वक्त युद्ध में जाने वाले सैनिकों के साथ महिलाएं तीर्थ यात्रा पर निकल जाती थी। सैनिकों के साथ होने की वजह से डकैतों का खतरा नहीं रहता था। उस वक्त महाराजा सूरजमल जी की सलाह थी कि स्त्रियां और बच्चों को साथ लेकर चलना ठीक नहीं है, इससे युद्ध में ध्यान भी बटेगा। लेकिन सदाशिव राव ने उनकी एक भी सलाह नहीं मानी, जिसके कारण महाराजा सूरजमल जी को मराठों से उसी वक्त अलग होना पड़ा। उसके साथ ही राजपूत राजाओं और गैर मराठा राजाओं ने भी तटस्थ रहकर युद्ध का नतीजा देखने का फैसला किया। जब तक लड़ाई लड़े और निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाती, वो इस युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हुए। इस युद्ध में मराठों के आधे से ज़्यादा सैनिक मारे जाने के बाद महाराजा सूरजमल जी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। मराठा सैनिकों के पास न खाने का राशन था और न पहनने के कपड़े। महाराजा सूरजमल जी ने करीब 30,000 से 40,000 सैनिकों को भरतपुर में शरण दी। उन्होंने जनता से इनकी मदद की अपील भी की। मराठा सैनिकों के लिए अनाज इकट्ठा किया गया। कहा जाता है कि उस वक्त करीब 20 लाख रुपए का खर्च आया था। महाराजा सूरजमल जी ने कई महीने तक मराठा सैनिकों को शरण दी और विदा करते वक्त उन्होंने हर सैनिक को 1 रुपया और 1 सेर अनाज और कपड़े दिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुए महाविनाश ने हिंदुस्तान की लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण शक्ति को नष्ट कर डाला था। महाराजा सूरजमल इसका एकमात्र अपवाद थे। अब्दाली के सामने न तो उन्होंने कभी सिर झुकाया और ना ही घुटने टेके। दोआब के इलाके में अपना दबदबा कायम करने की नीयत से महाराजा सूरजमल जी आगरा के किले पर कब्जा करना चाहते थे। 3 मई 1761 को महाराजा सूरजमल जी की विशाल सेना ने आगरा की ओर चढ़ाई कर दी। लक्ष्य था आगरा का लाल किला, 4,000 जाट सैनिकों के साथ। यह बहुत ही शानदार इमारत है। 1 महीने के घेरे के बाद 12 जून 1761 को आगरे का लाल किला जाटों के कब्जे में आ गया तथा यह सन 1774 तक भरतपुर के शासकों के अधिकार में रहा। लेकिन अब बारी आती है वीर गति की। जी हाँ, वीर की सेज समर भूमि ही होती है। जब आगरा से लेकर दिल्ली के नज़दीक तक महाराजा सूरजमल जी की तूती बोलने लगी, तो वे दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी हो गए। उस समय शक्तिहीन मुगल सम्राट उसका संरक्षक शक्तिशाली रोहेला वजीर नजीबुद्दौला था, जिसे अहमद शाह अब्दाली का समर्थन भी प्राप्त था। महाराजा सूरजमल जी ने कुछ मात्र घुड़सवारों के साथ शत्रु सेना के क्षेत्र में घुसने का दुस्साहसपूर्ण कदम उठा लिया। 25 दिसंबर 1763 को क्रिसमस के दिन शाहदरा में हिंडन नदी के किनारे, जो कि यमुना की सहायक नदी है, मुगल सेना के नवाब नजीबुद्दौला की सैन्य टुकड़ी के साथ मुठभेड़ में महाराजा सूरजमल जी 56 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, यहाँ पर एक अन्य विवरण के अनुसार सूरजमल जी अपने कुछ मात्र घुड़सवारों के साथ युद्ध स्थल का निरीक्षण कर रहे थे कि अचानक शत्रु सेना से गिर गए। एक अन्य वृत्तांत के अनुसार सूरजमल जी को थोड़े से आदमियों के साथ खड़ा देखकर सैयद महमूद खां बलोच, जिसे लोग सैयदू के नाम से भी जानते थे, वह उनके सैनिक सूरजमल पर टूट पड़े। शव का क्या हुआ, किसी को कोई निश्चित जानकारी नहीं है। जवाहर सिंह जी ने कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में अपने पिता की प्रकात्मक अंत्येष्टि की। इसके लिए रानी ने महाराजा सूरजमल जी के 2 दांत भी ढूंढ निकाले थे।
अंतिम संस्कार की रस्म पूरी करने के बाद जवाहर सिंह जी राजगद्दी पर बैठ गए। साथियों, महाराजा सूरजमल जी को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूर्यमल्ल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर। यही उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर ना पसंद आई हो तो बेशक वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके पास आने वाले घंटे के निशान को भी दबा दें।